ये रियलमी का नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन GD2 Pro। हमने रियलमी का काफी सारा सामान ट्राई करके टूथब्रश से लेके लैपटॉप ईयरबड सब, बट ये वाला रियलमी एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट। अभी जो बेस्ट प्रोसेसर चल रहा है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 एंड्रॉइड मतलब बेस्ट है। तो वाइब्रेशन भी गर-गर मस्त हो रहा है, इसमें भी LCD AMOLED आता है, इसमें LTPO डिस्प्ले है 2K और कैमरे में अलग भाई, मतलब हमने एक्चुअली ट्राई करके माइक्रोस्कोप जिससे बाल दिखते हैं सारी चीजें इसके अंदर एड करी और ये वीडियो अगर मस्त लग रही हो, मेहनत करी जा रही भाई। इस पे लिखा हुआ GT2 Pro और यहाँ पे लिखा हुआ नोबिता, इसमें लिखा है फ्यूचर इन पेपर। पेपर ही देते देते फ्यूचर निकल जाएगा यार, मैं बोल रहा हूँ पेपर ही हटा दो। ये सुई है, ये वाली है सेफ्टी गार्ड, सेफ रहना चाहिए। तो ये है हमारा स्मार्टफोन, इसमें जो छोटा वाला कैमरा दिख रहा है ना, यही एक्चुअल माइक्रोस्कोप है। ये केस दे रखा है व्हाइट कलर के, फोन का ग्रे केस नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ऐसे कलरफुल सा होता है, कुछ मजेदार। हम भी कलरफुल है यार, सब कलर ही कलर। एक चार्जर है 65 वाट वाला, सुपर डार्ट वूक सब मिक्स हो गया भाई, सब कुछ सेम है, जो तेज चार्ज करे वो ज्यादा बढ़िया। और ये हमारी केबल USB टाइप सी, जैसे कि आप लोग नोटिस करोगे काफी सॉफ्ट सा व्हाइट कलर है। इसका नाम है रियलमी GT और जिन लोगों ने GT का मतलब नहीं पता है, मतलब असली में धरती तोड़ गिरा के चेक करना पड़ेगा भाई। पहले डब्बे से चेक कर लेते हैं क्योंकि डब्बे पे भी GT दिखता है। जैसे कि आप लोग नोटिस करोगे थोड़ा थोड़ा जो डिजाइन लैंग्वेज है वो सिमिलर लग रहा है ओप्पो और OnePlus के स्मार्टफोन से। इसको खोलते हैं, लग तो सही रहा है, फ्लैगशिप वाली फील तो आ रही है हल्की सी। थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है जो फ्लैगशिप्स में नहीं होनी चाहिए थी बट हैं, बट आप रिमूव कर सकते हो तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे कि देख सकते हैं डिजाइन लैंग्वेज काफी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे रियलमी लिखा हुआ है और बैक साइड में एक पेपर वाला टेक्सचर अपना, और यहाँ पे नाउटो फुकाशावा आई थिंक, मैं उनका नाम कैसी तैसी नहीं कर रहा हूँ मैं, सॉरी। इस टाइप का डिजाइन मेरे को अच्छा लग रहा, बट अगर ये नाउटो सर जी की छाप डिजाइन में ही होती खाली, उनके ऑटोग्राफ तक ना होती तो शायद और मजा आता। रियलमी ने ये वाला टेक्सचर पेपर से इंस्पायर्ड होके लिखा है। ये है हमारी रियल अप्सरा पेंसिल और ये हमारा रियलमी स्मार्टफोन जिसके ऊपर हमने मस्त फायर भी बनाया था। वैसे जो इसकी बिल्ड है वो पूरी एक फ्लैगशिप बिल्ड फील होती है, पूरा एक मेटालिक फ्रेम है, राइट साइड में पावर बटन है, लेफ्ट साइड में वॉल्यूम बटन है और नीचे के साइड पे एक स्पीकर USB-C का पोर्ट है और ऑफ कोर्स ये जो सुई हमने बचा के रखी थी भाई इसी को डालेंगे। एक मेरे को वियर्ड चीज लगती है भाई, सिम इजेक्टर के साथ साथ ही डाल देते हैं सिम 1 सिम 2 माइक्रो SD कार्ड क्या डालोगे, बढ़िया स्टोरेज है। इसके बैक और कैमरे के बाद सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करोगे वो है इसकी वाइब्रेशन। होता क्या है कि एक फ्लैगशिप में ना खाली ऐसा नहीं है कैमरा बैटरी और ये सारी चीजें बढ़ा दो तो मस्त हो जाता है, जो छोटी छोटी चीजें जैसे आप ऊपर और इसको नीचे करते हो तो हल्का सा थुजुक सी वाइब्रेशन आती है, सेम थुजुक थुजुक यहाँ पे वॉल्यूम में भी। ओह चतुर मेरा दोस्त है, चढ़ी वड़ी इसते हम बचपन में। बैक साइड में भी अगर आप नोटिस करोगे एक फ्लैगशिप कैमरा बोल सकते हो बट तीन कैमरे का सेटअप दे रखा है, तीनों ही कैमरा भाई बहुत ही ज्यादा वियर्ड और बहुत ही ज्यादा डिफरेंट भी। इसमें एक 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा जो 150 डिग्री तक जाता है, मतलब पूरा गोल गोल दिखने लगेगा, मछली की आंख जैसे देखते वैसे सेम दिखेगा। एक 2 मेगापिक्सल अभी मैक्रो आ रहा है इसमें, माइक्रो, ये मैक्रो से माइक्रो इसलिए कर रहा है क्योंकि रियलमी में रियल मी और मी इज लाइक आई, हाथ में पकड़ने में अच्छा स्मार्टफोन फील हो रहा है। डिस्प्ले पे भी अगर आप देखोगे तो एक Quad HD 120 Hz AMOLED डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, एक फ्लैट स्क्रीन वाला पंच होल डिस्प्ले बट काफी अच्छे से काम करता है, 1400 nits का ब्राइटनेस है। एक फ्लैगशिप डिस्प्ले से आप जो चीजें एक्सपेक्ट करोगे डिटेल काफी अच्छी है, वीडियो भी चला के देखते हैं, जो कलर्स हैं जो कॉन्ट्रास्ट है वो सही लग रहा है और स्पेक्स पे और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से डेफिनेटली काफी अच्छा है। मेरे को ऐसा फील हुआ कि एक टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप डिस्प्ले नहीं हो क्योंकि उनमें और इसमें हल्का सा फर्क रहता है, इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से आप डिसअपॉइंट तो डेफिनेटली नहीं होने वाले। डिस्प्ले के स्पेसिफिकेशन अगर आप देखो तो काफी तगड़ा लगता है भाई, एक 10-bit डिस्प्ले है, 120 Hz, LTPO, AMOLED पैनल, जितने नंबर थे सारे हमने भर दिए इसमें ना, अडाप्टिव है तो इसमें कम होता रहता है बढ़ता रहता है रिफ्रेश रेट, कभी कभी जैसे ऐप ड्रॉअर में ना आपको हल्का सा कम फील हो सकता है, बैटरी बचाने के लिए करा जाता है, और जैसे गेम चलाएंगे तो 1000 Hz का टच सैम्पलिंग रेट इसमें चालू हो जाता है। चेक करेंगे स्पीकर वीकर पे, अगर चेक करें भाई तेजी से है यार, स्टीरियो पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे एक काफी लाउड क्रिस्प आवाज है, सारी चीजें बढ़िया, कैमरा वैमरा है भाई अपनी खींच ली इधर उधर फोटो, बट परफॉर्मेंस टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट भाई। सेटिंग्स सारी अवेलेबल है, HDR, अल्ट्रा HD, हम अल्ट्रा HD पे चलाएंगे भाई। 8 Gen 1 पे सारी सेटिंग्स अनलॉक भी रहते हैं। जो ग्राफिक्स हैं जैसे कि आप देख सकते हो काफी अच्छी क्रिस्प सी आ रही, ओ यार ओए ओए खुद मार दिया, खुद मार दिया, 5 बंदों को मार दिया, कोई हमको हाथ नहीं लगा पाया। और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है भाई वो डेफिनेटली फ्लैगशिप लेवल की लग रही है। इसमें स्मूथ पे एक्सट्रीम अवेलेबल है, 90 FPS वाला आई थिंक थोड़े दिन में रोल आउट हो जाएगा, और गोरिल्ला ग्लास विक्टस है, डिस्प्ले बढ़िया चल रहा, तो मतलब एक्चुअल गेम खेलने मजा भी आता है। ज्यादातर लोग पूरे दिन स्मार्टफोन के UI में लगे रहते हैं और उसके लिए भाई OS का इंपॉर्टेंट होना काफी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। इसमें रियलमी UI 3.0 है, यहाँ पे नीचे रियलमी की रैप भी है, इसमें हार्ट रेट मेजरमेंट सारी चीजें, एंड्रॉइड वर्जन भी 12 है, तो भाई 12 बजाने आपको ये लो डन हो गया भाई अपना।
और बाकी सारी छोटी छोटी चीजें हैं जैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, रियलमी के थोड़े बहुत और भी एड ऑन है, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ गेमिंग में टच सैम्पलिंग रेट बढ़ जाता है और कलर वाइज के जितने फीचर्स हैं, गेमिंग मोड है, GT वाला उन्होंने कोई फीचर डाल रखा है, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो जब भी आपको गेम वेम खेलने का मन करे। अब रेडी हो चुके हैं फुल टू टेस्टिंग के लिए। ये छोटा वाला कैमरा माइक्रो, ये हमारा पुराना माइक्रोस्कोप था, इसे देख लेते थे भाई हम बहुत तगड़ा, और ये हमारा लेंस था वेरी लॉन्ग वेरी ब्यूटीफुल। बट ये माइक्रोस्कोप, ये जो बड़ा वाला है और इस स्मार्टफोन में जो है, इससे ऑलमोस्ट सिमिलर शॉट आता है भाई, खींच के देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चिप। ओ भाई भाई हमने ये फोटो खींची भाई, जैसे कि देख सकते हो भाई डिटेल बहुत ही तगड़ी है, ऐसा लग रहा है नसे हैं ये वाली चिप्स तो भाई, छोटी छोटी दिख भी नहीं रही आंख से। नेक्स्ट हम कारपेट की चेकिंग करें। ओ भाई हमारा कारपेट है प्लास्टिक का, हमारा कारपेट भाई। जीन्स को देखें भाई, ये मेरी जीन्स है, क्या लग रहा है यार, अजीब सा ही लग रहा है यार कुछ। मैं नहीं पहना ये, इसकी टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट। जो व्हाइट कलर की स्क्रीन है ना, इसमें तीन टाइप के पिक्सल होते हैं, रेड ब्लू और ग्रीन, और वो सारे पिक्सल्स काफी क्लियरली दिख रहे हैं। ये बताओ ये क्या लग रहा है? ये तो वो है चेसबोर्ड, मिरर है। जीव लग रही है, पान खा के आया कोई। भाई अब जीप का भी टेक्सचर देख लेते हैं कैसी आ रही है, डर लग रहा था भाई, इतना अजीब लग रहा था भाई। हमने घुस के माइक्रो में सब चेक कर लिया, बड़ा थोड़ा फैलेंगे। नॉर्मल सेंसर से फोटो खींच के देखते हैं, एक वाइड से खींच के देखते हैं 0.6x, और इसमें एक और ऑप्शन है, इसमें 150 डिग्री व्यू आपको देखने को मिल जाता है, ये बहुत ही ज्यादा वाइड है। पर इसमें दिक्कत ये है कि आप इसमें वीडियोज नहीं बना सकते, खाली फोटोज ले सकते। वीडियोज भी बना पाते तो बहुत ज्यादा मजा आ जाता, बट इसमें अगर मैं अपना हाथ दिखाऊँ और हाथ की फोटो खींचू वो भाई, और अगर मैं चाहूँ तो एकदम गोल उसमें भी ले सकता, ज्यादा वाइड है। कि ऊपर जो छत है सीधी है, ये भाई थोड़ा सा ऐसे कर्व होने लग रही है। ये जो हमने स्मार्टफोन से फोटोज हैं, वाइड में भी जो फोटोज हैं उनमें भी क्लैरिटी काफी अच्छी है, 1x में भी जो डिटेल है, बाहर के आपको पेड़ दिख रहे हैं यहाँ पे, फ्लेम एक तो पोर्ट्रेट में भी लेके देखते हैं तो अच्छा आइडिया लग जाएगा। ऑल्दो वेंकटेश भाई थोड़े से उदास हैं, बट जो फोटो है वो काफी अच्छे है। जो बैकग्राउंड में ब्लर है वो काफी सॉफ्ट सा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई नेचुरल नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से ब्लर हो जा रहा है, ऐसे कि धीरे धीरे बैकग्राउंड में ज्यादा ब्लर पड़ता जा रहा है। और जो स्किन टोन्स भी हैं, जो क्लैरिटी है वो काफी अच्छी आ रही है। ये वाली फोटो थोड़ी टफ रहेगी क्योंकि इसमें मैंने व्हाइट शर्ट पहनी है और पूरा बैकग्राउंड भी काफी लाइट है, मेरी व्हाइट शर्ट भी ओवर एक्सपोज नहीं हुई है, और जो ऊपर ये जिसके भाई को ब्लर कर दिया, इनका हाथ ब्लर नहीं हुआ है, बट जो ओवरऑल पिक्चर की फील है वो काफी अच्छी लग रही है। एक 40-45 प्राइस पॉइंट के फोन के हिसाब से अच्छी फोटोज है, बट अगर इसको आप एकदम टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप से कंपेयर करोगे तो उतनी तगड़ी आप नहीं कर सकते। ये वाली वीडियो अभी हम वाइड एंगल कैमरे से बना रहे हैं, और इसमें एक चीज अच्छी है कि इसमें आप वीडियो बनाते बनाते भी आप लेंस को चेंज कर सकते हो या जूम इन कर सकते हो। बट मेरे को एक चीज थोड़ी सी वियर्ड लगी भाई, फ्रंट कैमरे में 4K नहीं देखने नहीं मिलता, जो मतलब लाइक इस प्राइस पॉइंट के स्मार्टफोन के साथ जरूर मिलना चाहिए। बैक साइड में सारे रेजोल्यूशन है, 720p, 1080p, 4K, 8K, ओवरऑल कैमरा जो इस प्राइस पॉइंट पे आप एक्सपेक्ट करोगे उसके हिसाब से काफी रिच है, कॉन्ट्रास्ट में, कलर्स में, और ओवरऑल अच्छी फोटोज और वीडियोज आपको खींच के दे दो। रियलमी ने इसमें काफी सारी एक्स्ट्रा चीजें डाल रही है, जैसे एक गेमिंग आइस कोल्ड ऐसे एक सिस्टम डाल रखा है, बेसिकली बस ठंडा रहता थोड़ा, बट अभी मेरे को तो वार्म फील हो रहा है जब मैंने थोड़ी बहुत गेम्स खेली है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं भाई, हर फ्लैगशिप भाई गेम खेलने में हल्का फुल्का वार्म हो जाता है। इस वाले स्मार्टफोन के अंदर रियलमी ने 5000 mAh बैटरी दी है, जो मेरे हिसाब से एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन के लिए काफी अच्छी है, क्योंकि 65W चार्जिंग और चार्जर भी मिला भाई, भाई लग्जरी है चार्जिंग, मजाक नहीं भाई। अब आजकल चार्जर भाई दिस इज जैसे हेडफोन जाए गायब हुए, सारे चार्जर गायब हो जाएंगे, फिर चार्जर खरीदना होगा तब भी नहीं मिलेगा, उसके लिए बोली लगा करेगी। एकदम ऑनेस्टली बताऊं तो हमने सारे फीचर्स टेस्ट करे, कैमरे में काफी पेचीदा चीजें हैं, और ओवरऑल अगर आपको रियलमी UI पसंद आता है तो भाई डेफिनेटली एक काफी अच्छा वैल्यू पैकेज बन जाता है। इस प्राइस पॉइंट पे अगर स्पेक्स आपको एकदम टॉप पे चाहिए परफॉर्मेंस में, कैमरा में, बैटरी में, तो ये डेफिनेटली काफी अच्छा ऑप्शन बन जाता है। और एक चीज और पसंद आ सकती है, वो नीचे टेक बैनर का सब्सक्राइब बटन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।